अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जॉर्डन में आज हमारा सेकंड डे है और अभी हम जा रहे हैं रोमन थिएटर। और रोमन थिएटर में जो है हमने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, आपने भी मैंने भी, लेकिन फर्स्ट टाइम हम जा के देखते हैं कि वहाँ मतलब कितनी सीढ़ियाँ हैं वहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं हम अभी काउंट करने जा रहे हैं। और थिएटर कैसा होता है, अब वहाँ पे कितने इंच की LED लगी हुई है, मतलब फुल टाइम है, और मल्टीमीडिया कैसा है, साउंड सिस्टम कैसा लगा है, अभी आपको जाके बताते हैं रोमन थिएटर में। और आपको उर्दन जॉर्डन की ठंडी ठंडी सुबह में ट्रेवल विद महविश इमरान के साथ, इमरान और महविश के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी आपको लेके जा रहे हैं रोमन थिएटर। रोमन थिएटर एक बहुत पुरानी एक कल्चरल हेरिटेज है यहाँ का, एक यहाँ की पहचान है जो कि बहुत पुराना, यहाँ पर एक जगह है, आज आपको लेके जाते हैं वहाँ पर और आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं कि हाउ वॉज द रोमन थिएटर एंड हाउ इज द रोमन थिएटर। हम लोग पहुंच चुके हैं रोमन थिएटर के बाहर, और ये रोमन थिएटर वो थिएटर नहीं है जहाँ पे जैसा हमारे सिनेमाज़ हैं। रोमन थिएटर्स वो थिएटर है जहाँ पर जो रोमन्स ने बनाया था, और ये जॉर्डन की एक बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ पे अगस्त और सितंबर के महीने में फेस्टिवल होता है। इस जगह को कहते हैं हशमाइत स्क्वायर, हशमाइत स्क्वायर इस जगह का नाम है। और यहाँ पर जब अगस्त और सितंबर के महीने में फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर उसी तरह बैंड्स परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल हाँ ड्रेसेस में ये पूरे अच्छे तरीके से इसको इस जगह को यूटिलाइज करते हैं। और वैसे ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। बाकी आपको जाके दिखाते हैं अंदर के रोमन थिएटर है क्या। तो हम लोग रोमन थिएटर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये रोमन थिएटर है। ये सेकेंड सेंचुरी में फिलाडेल्फिया में बनाया गया था। आप हैरान होंगे कि फिलाडेल्फिया का अमान से क्या ताल्लुक है, जॉर्डन से क्या ताल्लुक है। अमान जो ये सिटी जिसमें हम मौजूद हैं, इसका पुराना नाम फिलाडेल्फिया था जो बाद में अम्मान पड़ गया। इसमें 6000 लोगों की बैठने की जगह है और इसमें 3 हिस्से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पहला हिस्सा है जो नीचे का है, यहाँ पे सेनेटर्स बैठा करते थे, और जो सेकंड वाला था वहाँ पे सिटीजन्स यहाँ के बैठा करते थे, और जो थर्ड वाला सबसे ऊपर है वहाँ स्लेव्स पुअर पीपल मतलब गरीब गुरबा को ऊपर बैठाया जाता था। और ये इसलिए 3 स्टेप्स में इसको बनाया गया। I'm from Pakistan. Yes, I'm from Pakistan. ये दोनों स्टोन के दरमियान इन्होंने एक ऐसा माइक सिस्टम फिट किया हुआ है कि जैसे वो वहाँ से बात कर रहे हैं और इमरान यहाँ से जवाब दे रहे हैं, तो ये दोनों बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गैप है और ये बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। I don't know, ये टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन इस रोमन थिएटर के एक कोने पे अगर महविश बैठ जाए वो दूसरे कोने पे, और यहाँ पे मैं बैठूँ और मैं पत्थर में हल्की सी सरगोशी करूँ तो महविश वहाँ पे सुन सकती थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस। थैंक यू, जज़ाकल्ला। ये वाला वो पत्थर है जिसका कनेक्शन कोई वो सामने वाले पत्थर के साथ है, वहाँ से दूसरा महविश के बिल्कुल इस तरफ दूसरा पत्थर। आप यहाँ पे बैठकर बोलते हैं तो वहाँ पर दूसरा बंदा आपकी सरगोशी सुन सकता है। एंड दिस वॉज द टेक्नोलॉजी यूज एट दैट टाइम। इस पॉइंट की सीध में
अगर आप आते हैं तो आपको ये क्रॉस नज़र आता है, इस क्रॉस पे खड़े होने से आपका इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसकी खास बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलूँगी तो मेरी आवाज़ में इको आएगा बहुत ज़्यादा, और अगर मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँगी तो मेरी कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये देखें हेलो, और यहाँ खड़े होकर बोलती हेलो तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये इसलिए बनाया गया था कि आप जब यहाँ पे खड़े होकर बोलेंगे तो जो ऊपर वाले लोग हैं या जो भी बैठा होगा वो बआसानी आपकी आवाज़ सुन सकता है। उस वक्त क्योंकि आपके पास माइक वगैरह तो थे नहीं, इसलिए आपको ये ही यूज़ करना पड़ता था। रोमन थिएटर में अगर आपको आने का इत्तेफाक हो तो आप यहाँ पे आकर थोड़ी देर इन पत्थरों में सर्दियों पे बैठ के देखें, मतलब सर्दियों में इन पत्थर पे बैठ के देखें, ठंड पे फिर आपको पता चलेगा कि ठंड पहना क्या होता है। इतनी शदीद पत्थर ठंडे हैं और उसके ऊपर बैठने से आई डोंट नो सेनेटर्स यहाँ पे किस तरह बैठते होंगे, लेकिन इस फ्लोर पे बैठने के लिए सेनेटर्स को ज़रूर को गद्दे शदे रख के दिए जाते होंगे। ये पत्थर इंतहाई ठंडे हैं और जारी बात है जो दरमियान में सिटीजन्स और फिर ऊपर जो पुअर पीपल स्लेव्स और गाँव देहातों के लोग रहा बैठा करते थे उनके लिए तो कोई इंतज़ाम नहीं होता होगा। तो ये एक बड़ी फैंटास्टिक किस्म की जगह है, बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे इनका इकोसिस्टम। और उससे मज़े की बात, अगर आप रोमन थिएटर के एक लेफ़्ट कॉर्नर पर बैठकर पत्थर से बात करते हैं तो उसकी आवाज़ राइट साइड के पत्थर वाला बंदा आराम से सुन सकता है, इवन के दरमियान में कम अज़ कम 100 फुट का फासला है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ख़ास तौर पर इनका इको सिस्टम वाला मॉड्यूल इट्स कमाल, बहुत मज़े का था और हमने इस जगह को बहुत इन्जॉय किया। तो अब हम चलते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ जो है मदाबा।